आपकी बेटी तो आपके ऊपर बोझ है, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं। आप ऐसा करिए कि इसके रूम में एक टीवी लगवा दीजिए, बोर रहती होगी ना, तो कुछ एंटरटेनमेंट होता रहेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, पीपल कॉन्स्टेंटली केप्ट टेलिंग हर पेरेंट्स दैट योर डॉटर इज ए बर्डन ऑन यू, और आज वही लड़की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी परस्यू करने जा रही है। और उसकी ये जर्नी भारत में रहते हुए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि भारत में किसी भी कामयाबी को छूने के लिए आपको समाज से गुजरना होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रतिष्ठा देवेश्वर की। 29 अक्टूबर 2011 को सी मेटन कार एक्सीडेंट, और कार एक्सीडेंट में वो इंजर्ड हुई थी, और एक्सीडेंट के बाद उनकी आंख सीधी आईसीयू में जाके खुली, और आईसीयू में उनके सारा ये कहीं नाड़ में सुई घुसी हुई है, कहीं हाथ में वो लगा हुआ है, और इस तरीके से उनकी आंख खुलने के बाद, और फिर डॉक्टर्स ने उनको बताया कि आप दिन में 2 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं पाएंगी, और आप अपनी लाइफ में कभी चल नहीं पाएंगी, आपकी चेस्ट के नीचे से सारा हिस्सा पैरालाइज हो चुका है, और चेस्ट के नीचे आप फील ही नहीं कर पाएंगी। प्रतिष्ठा ये सुन रही थी, उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। 13 साल से पहले एक लड़की जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल दिखने वाली लड़की, और प्रतिष्ठा देवेश्वर जो PD के नाम से जानी जाती थी, अब उनका नाम हो गया था PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये आपके और मेरे साथ कभी भी हो सकता है, इसलिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को आप अलग तरीके से बिहेव ना करें। और जब डॉक्टर ने कहा आप चल नहीं पाएंगी, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए वो एक इस तरीके से हो गया कि प्रतिष्ठा को दिख रहा था कि अब मेरे सपने चकनाचूर हो गए हैं, और लाइफ एक तरीके से फेड हो चुकी थी। और प्रतिष्ठा को खुद से ये लगा कि अब आगे जीने का कोई पॉइंट ही नहीं बचता। होशियारपुर की रहने वाली प्रतिष्ठा, उनके टाउन में व्हीलचेयर से एक्सेसिबल कोई स्कूल नहीं था जो पढ़ सकती थी, तो उन्होंने स्कूलिंग अपने होम बेस्ड करी, पर उन्होंने ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दिया, और रिजुविनेट करना स्टार्ट कर दिया अपने लाइफ। और प्रतिष्ठा कहती है कि मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, और मैं पढ़ाई लिखाई को ही अपना टूल बना दिया। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि आप अगले 2 साल तक सिर्फ 2 घंटे ही बैठ सकती हैं दिन में, वो भी अलग अलग रेस्ट करके टाइम पे, लगातार 2 घंटे भी नहीं बैठ सकती है। प्रतिष्ठा ने लेटे रहकर ही 2 साल तक अपनी पढ़ाई जारी रखी, और उसके बाद ये बैठने का टाइम बढ़ गया, और उसी मोमेंट पे प्रतिष्ठा को ये पता लग गया था कि एक एजुकेशन ही ऐसा टूल है जो उनकी लाइफ में उनको आगे उजाला दे सकता। प्रतिष्ठा ने अपनी 10th और 12th क्लास में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। प्रतिष्ठा हमेशा से चाहती थी कि इंडिपेंडेंस रहे, उनको ये फील ही ना हो, ये उनको 13 साल एक्सीडेंट से पहले उनका ड्रीम था कि उनको इंडिपेंडेंट रहना है और देश के लिए कुछ करना है, लेकिन एक नया मकसद उनको मिल गया, डिसेबल्ड लोगों के लिए ये अवेयर करने का कि आप डिसेबल नहीं हो, और इसी ड्रीम के साथ इंडिपेंडेंस की थिंक रखते हुए वो मूव कर गई दिल्ली यूनिवर्सिटी को। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रही थी, तो फिर से समाज अपना काम हमेशा करता है दोस्तों, समाज कभी पीछे नहीं रहता। समाज ने कहा कि आप एक डिसेबल्ड पर्सन वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगी, वहां आप अकेली कैसे रहेंगी, आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और जो लोग नॉर्मली बिल्कुल फिजिकली फिट रहते हैं वो भी वहां जाकर स्ट्रगलफुल लाइफ फील करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रतिष्ठा ने इन लोगों को ठान लिया कि इन्हीं लोगों को मुझे गलत साबित करना है। प्रतिष्ठा के पास एक जर्नल था, जर्नल में प्रतिष्ठा ने नोट डाउन किया कि मेरे पास क्या क्या बचा है। तो प्रतिष्ठा ने देखा कि मेरा दिमाग बिल्कुल प्रॉपर काम करता है, मैं प्रॉपरली देख सकती हूँ, और मेरे हाथ बिल्कुल प्रॉपर काम करते हैं। इन्हीं चीज को स्ट्रेंथ बनाते हुए और प्रतिष्ठा दिल्ली मूव कर गई, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस परस्यू किया, जहाँ वो 3 साल तक रही अपनी जिम्मेदारियों पे, खुद सेल्फ बेस्ड, सेल्फ डिपेंडेंट, और अपनी कंडीशन पे। लेकिन दिल्ली में जाके कहानी सॉल्व नहीं होगी दोस्तों, दिल्ली में जाके तो उनको और भी ज्यादा कहते ना ज्ञानी समाज का सामना करना पड़ा था। तो जब भी वो कभी मार्केट जाती, क्लब जाती, या कोई फन अटेंड करती, तो प्रतिष्ठा की एक खासियत थी, वो हमेशा स्माइल करती रहती थी, सो दैट कि कोई भी उनके जैसा उनको बंदा दिखे तो उसको एक होप दिखे कि ये अगर स्माइल कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो एक पॉजिटिविटी वो लेके चलती थी, लेकिन इस समाज को सिर्फ ये दिखता था कि ये व्हील चेयर वाली लड़की स्माइल कैसे कर रही है, हमारे जीवन में इतना दुख है तो ये स्माइल कैसे। प्रतिष्ठा अपनी स्माइल से सभी को यह मैसेज देना चाहती थी कि लोगों को यह समझना पड़ेगा, यह जानना होगा कि डिसेबल्ड पर्सन के पास ऐसी कोई कमी नहीं होती, वो अपने जीवन में फुल संपन्न होते हैं। और वो दिखाना चाह रही थी कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तेरी इस दया भावना की जरूरत नहीं है, और मैं अपने तरीके से बिल्कुल संपन्न हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से मेरी तरफ ना। तो प्रतिष्ठा एक पार्टी अटेंड करने के लिए
प्रतिष्ठा हमेशा चिलिंग लाइफ बिना ये फील करते हुए और ना ही उनके दोस्तों ने कभी ये फील होने दिया। लेकिन पार्टी में एक बार जा रही थी और अच्छी सी ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी। प्रतिष्ठा वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन एक लेडी प्रतिष्ठा के पास आती है और प्रतिष्ठा से कहती है कि आपने बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन अगर ये व्हीलचेयर आपकी ड्रेस को सूट नहीं कर रहा, अगर व्हीलचेयर ना होती, इस ड्रेस को पहन के आप खड़ी नहीं होती तो आप ज्यादा सुंदर दिख रही होती। तो प्रतिष्ठा ने बहुत ही प्यार से उसको आंसर दिया कि मैडम, अगर मैं व्हीलचेयर पर ना होती और खड़ी हुई होती तो आप ये कहती कि आप अगर थोड़ा सा इसको कलर चेंज करके आती तो ड्रेस शायद अच्छी हो सकती थी, आप अपना फेशियल 2 शेड कम करके आती तो शायद अच्छी दिख सकती थी, और आप मुझसे ये कह सकती थी कि अगर आप 2 थिनर लाइटर करके आती तो आप ज्यादा ब्यूटीफुल दिख सकती थी। तो प्रतिष्ठा के कहने का मतलब ये था कि आप किसी भी फॉर्म में रहिए, ये वर्ल्ड आप में कमी ढूंढता है, आप बिल्कुल परफेक्ट क्यों ना खड़े हो, सामने वाला बता देगा कि तेरे अंदर ये कमी है। तो आपने गधे और आदमी वाली कहानी तो सुनी होगी, एक गधा आदमी जाता रहता है, गधा के ऊपर आदमी बैठा रहता है और फिर आदमी के ऊपर गधा बैठ जाता है, ऐसे करके। तो आप इस दुनिया में हर बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ऐसा मैसेज प्रतिष्ठा ने उस लेडी को दिया, चाहे आप किसी भी लेवल पर परफॉर्म कर रहे थे। तो इसी दौर में एक बार लोकल न्यूज़पेपर ऑफ पंजाब प्रतिष्ठा के घर पे आया, उन्हें पता लगा कि इस तरीके से वो एक बुलंदियों को छूती जा रही है। तो न्यूज़पेपर ऐसी स्टोरी कवर करने अक्सर पहुंचे जाते हैं, तो न्यूज़पेपर ने काफी अच्छे तरीके से कवर किया स्टोरी को। प्रतिष्ठा ने बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट डिसेबल्ड पर्सन एंड हिज ऑन लाइफ बहुत ही अच्छे से समझाया और न्यूज़पेपर वालों को काफी पसंद आया। उसके बाद न्यूज़पेपर वालों ने कहा कि हम आपके कुछ फोटोज शूट करना चाहते हैं। तो 2-4 फोटो लेने के बाद फोटोग्राफर है वो कहता है कि देर इज सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रतिष्ठा ने बोला कि लाइट वगैरह में कोई दिक्कत है क्या? बोला नहीं, लाइट्स वगैरह सब ठीक है, प्रॉब्लम इज कि आप अपनी जो लिपस्टिक आपने लगाई हुई है वो हटा दीजिए। प्रतिष्ठा कहती है कि लिपस्टिक के साथ ऐसा क्या इशू है, क्यों हटा दूंगा इसको? तो पत्रकार या फोटोग्राफर क्या कहता है कि हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने की समाज को दैट यू आर ए डिसेबल्ड पर्सन, लेकिन आप इतनी बेबी डॉल और ब्यूटीफुल इसमें दिख रही हैं। तो प्रतिष्ठा कहती है कि वो पत्रकार स्टोरी के साथ साथ लोगों को ये दिखाना चाहता है कि डिसेबल्ड पर्सन आर पिटी, उनको दया भावना की जरूरत है और वो गंदे दिखते हैं, इसीलिए प्रतिष्ठा सुंदर दिख रही थी। और पत्रकार का कहना था इतना सुंदर दिखेंगी तो लोगों को लगेगा ही नहीं कि आप डिसेबल्ड हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ मतलब एक तीर चला के जा रहा पत्रकार। तो ये हमारे न्यूज़पेपर वालों की, लोकल न्यूज़पेपर जो अच्छी मीडिया है उनकी ये थिंकिंग नहीं है, बट लोकल न्यूज़पेपर वालों की यही सोच है, लोकल न्यूज़पेपर लोकल सोच। तो आदमी कितना ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करे, लेकिन जब ये नेसेयर्स इस तरीके से बात करते हैं तो आदमी को कहीं ना कहीं फील हो ही जाता है। लेकिन प्रतिष्ठा को पता था कि इस बारे में गुस्सा करने से, अपने आप से नाराज होने से और चीजों को इधर उधर फेंकने से बात नहीं बनेगी। घुटने से और अंदर वैक्यूम क्रिएट करने से, प्रेशर क्रिएट करने से इज नॉट द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज कि मुझे बताना पड़ेगा, मुझे बाहर आना पड़ेगा कि डिसेबल्ड मैन अगली नहीं दिखते हैं, डिसेबल्ड मैन ऑल्सो हैव ब्यूटीफुल लाइफ, डिसेबिलिटी इज नॉट समथिंग, द लाइफ कैन नॉट ड्राइव बाई ए बॉडी, लाइफ इज समथिंग फार बियॉन्ड द बॉडी। तो एक बार प्रतिष्ठा ने अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास में अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे नंबर आई, तो प्रतिष्ठा अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है और रेस्टोरेंट में एक आदमी कंटिन्यूसली प्रतिष्ठा को देखे जा रहा। तो मेन पॉइंट इज कि प्रतिष्ठा अपनी फ्रेंड्स को पार्टी देने के लिए गई है। तो बहुत देर देखने के बाद द मैन ब्रोक द साइलेंस और मैन कहता है कि आप लोग कितने अच्छे हैं। तो गर्ल्स कहती हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो कहते हैं कि आप एक डिसेबल्ड लड़की को इस तरीके से अपने साथ एंजॉय कराने के लिए लाई हैं, आप कितनी दयालु और दयावान पर्सन है। तो प्रतिष्ठा उसकी तरफ ऐसे देख रही थी कि पार्टी मैं इनको देने आई हूं और ये लग रहा है कि ये मुझको उल्टा पार्टी देने आई। तो प्रतिष्ठा का कहने का मतलब ये है कि लोग हमेशा इस तरीके से सोचते हैं कि जो ठीक लोग हैं, मतलब जो लोगों की नजर में ठीक लोग हैं, वो हमेशा डिसेबल्ड लोगों को सर्व कर सकते हैं। बल्कि मौके पे हो क्या रहा था कि डिसेबल्ड पर्सन ने अच्छा परफॉर्म किया था और वो खुद जो अदर जो लोगों की नजर में ठीक लोग हैं, हालांकि सभी लोग बराबर हैं, लेकिन जो लोगों की नजर में ठीक लोग हैं वो खुद उनको उल्टा पार्टी देने आई थी, लेकिन वही स्टीरियोटाइप ऑफ द सोसाइटी इस तरीके से उस बंदे ने कमेंट किया। इसी के साथ प्रतिष्ठा अब परस्यू करने जा रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी और वे इस डिग्री को
अपनी इसी जिंदगी का मकसद में लगा देना चाहती हैं, दैट सी नीड्स टू चेंज द वे एंड थिंकिंग अबाउट द डिसेबल्ड पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, ऑल मैसेज ऑल अबाउट कि कोई मोहित शर्मा या कोई और पर्सन अगर आपके डिसीजंस पर हंसता है, आपकी फिरकी लेता है, तो समाज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जीज रहती हैं। अगर मोहित शर्मा किसी के डिसीजन की हंसी उड़ाएगा तो पॉजिटिव लोग मोहित शर्मा का विरोध करने के लिए तुरंत सामने आ जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैसेज बस यही है कि ये सोसाइटी, चाहे आप भूखे मर रहे हो चाहे आप ग्रो कर रहे हो, आपको कमेंट देती रहेगी। आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इतने बिजी हो जाइए, रास्ते में उछलने वाली कीचड़ का जवाब देने के लिए आपके पास रुकने के लिए टाइम ही ना हो। और थोड़ी अगर आप इस तरीके से लोग हैं और आप अगर कामयाब नहीं हैं, तो आप ये पहचानने के लिए कोशिश करिए कि ये लोग कौन है। समाज में कोई नहीं है, सिर्फ हम ही लोग हैं। अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम ही फिरकनी लेने लगने स्टार्ट कर देते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, इस तरीके से है, हम जजमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी की भी मजाक उड़ाने से पहले ये सोचिए, सक्सेस, एनी सक्सेस इज नॉट परमानेंट। आज आप सक्सेस हो गए हैं, आप दूसरों के यहाँ मजाक ले रहे हैं जाके, कल को ऐसा दिन आ सकता है कि आपकी औलाद आवारा घूम रही हो और उसके दिन बदल जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, वर्क ऑन योर सेल्फ, योर इम्प्रूवमेंट, डोंट ट्राई टू फाइंड लूपहोल्स इन दिस सोसाइटी। देयर इज नो मैन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं उन सभी लोगों को जो आपके अपने चहेते हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद इस वीडियो से उन लोगों को कुछ नई उम्मीद मिले। आई होप आपको प्रतिष्ठा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप मुझ पर इतना विश्वास कर सकते हैं कि अपने फैसले, अपनी टर्म्स पर अपनी जिंदगी को बनाइए। और ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, दिस लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस लाइफ इज वेरी कलरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।